लुक तो मस्त है। फुल लुक दिखा के यार किसी को जेलस करती हो, क्या करती हो? मैंने किसको जेलस किया? ये एलियन पाया जाता है चांद पे, जो चांद के ऊपर एलियन रहते हैं। अच्छा जी, एंजॉय कर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है मेरे दादा पू का ख़त्म, लाइक सालाना ख़त्म, तो बस अभी मैं उसी के लिए तैयार हुई हूँ। अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। एंड जैसे चांद पे दाग होते हैं, आज मेरे चेहरे पे भी एक पिंपल आ गया जिसने एक बहुत गंदा सा निशान डाल दिया मेरे मुंह पे। सो इग्नोर दैट, क्योंकि आपको आज सारे ब्लॉग में ये लाजमी देखना पड़ेगा। सो कोई बात नहीं, इसी के साथ गुजारा करते हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलो लाइट्स ऑफ करते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि नीचे देगा ये कि नहीं। एंड नीचे से क्या करें क्या नहीं, सामने एक रूम में लड़का होता है मेरे, एक मेरे सामने वाली खिड़की में, खिड़की तो नहीं है, पूरा का पूरा दरवाज़ा। यहाँ पे बिलाल तैयार हो रहा है, तो इसको हम तैयार होने देंगे एंड हम लोग अपनी तशरीफ़ लेके नीचे जाएंगे। सो लेट्स गो। गाइस, इन लोगों ने तो यहाँ पे ड्राइंग रूम सेट कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड अभी चलते हैं सामने, जो सामने तैयार हो रही हैं बाजियाँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं नीचे ही हूँ एंड मामा यहाँ पे सेवैयां बना रही हैं न्यास के लिए। हम बन गई है ना अब तो, रेडी। यहाँ पे सेवैयां बन गई हैं, मामा ने इसको डिश आउट भी कर दिया। तो गाइस, मैं नीचे आ गई हूँ, सेवैयां तैयार हैं बिल्कुल, अभी बस मामा उसको नट्स के साथ गार्निश कर देंगी, ठीक है। जो भी ऊपर सजावट करनी है वो मामा कर देंगी। एंड इनको चेक करो, ये यहाँ पे तैयार हो रहा है अभी। दीदी तो तैयार है, दीदी इधर तो दिखाओ ज़रा चेहरा। हाँ दीदी तैयार है, बिलाल अभी तैयार हो रहा है। एंड ये एक अदद बच्ची ऐसी बैठी रहती है। सो यहाँ पर मामा इसको गार्निश करी है विद नट्स। एंड मामा इसको मैंने सबसे पहले खाया जो कि बहुत ही यम्मी बना है हमेशा की तरह। सबसे पहले मम्मा कुछ भी बनाती है ना तो मैं टेस्ट करती हूँ, ठीक है। एंड मैंने जब टेस्ट किया तो वो बहुत ही यम्मी बना हुआ था, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया मेरा रिएक्शन, क्योंकि इतना मज़े का था कि मेरा ध्यान सारा खाने की तरफ ही था। तो मम्मा देख कब आनी है? वो 7 o'clock। अच्छा, लेट आनी है। चलो कोई नहीं, अभी वैसे भी कोई नहीं आया। आपने सबको कॉल कर दी थी? कर दी है, अब देखो कौन आता है कौन नहीं आता। हाँ वैसे कॉल तो करती थी, अब पता नहीं कोई आता नहीं आता, बट खैर कोई बात नहीं। अभी मैं बाहर आई हूँ मौसम देखने। एंड हम दीदी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मेरा फुल लुक दिखा दे। सो हम यहाँ पे बाहर आ गए, दीदी का इंतज़ार करते हैं। मेहरू आ जा। आ गई मोहतरमा हमारा फुल लुक दिखाने के लिए। ओ ये है रिमशा का फुल लुक। मुझे कुछ खास नहीं लग रहा लेकिन फिर भी मुझे दिखाना पड़ता है। हाँ लग तो अच्छी रही है, ऑब्वियसली बात है, डेली का काम है फुल लुक दिखाना, सो फुल लुक तो मस्ट है। फुल लुक दिखा के यार किसी को जेलस करती हो, क्या करती हो? मैंने किसको जेलस करना? मेरे मुंह पे पहले ही एक दाग आ गया, मैंने किसको जेलस करना? ना चांद के ऊपर हजारों दाग होते हैं, आज तुम्हारे मुँह पे भी दाग आ गया। चांद के ऊपर दाग नहीं होते, एक्चुअली एलियंस होते हैं वहाँ पे। ये दिखाई दे, वो दाग नहीं है। ये देखें, ये एलियन पाया जाता है चांद पे, जो चांद के ऊपर एलियंस रहते हैं। अच्छा जी, एक एलियन आप भी हो ना वहाँ पे, है ना? रहती होती तो यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा जी, एलियन आप यहाँ पे क्या कर? चांद है। हाँ जी, मेरा घर चांद है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वही चांद है मेरे लिए, और मैं भी चांद ग्रहण बनी हुई हूँ। नहीं, पिंपल्स तो ब्यूटी होती है। ओके, 2 hours later सारे तैयार हो जाएंगे। गाइस, ये बच्ची तैयार नहीं होगी, सबसे एंड पे तैयार होती है। दीदी तो मेरा फुल लुक दिखा के आके लेट भी गई है। वाह यार, इसे लेट नहीं कहते मेरी जुबान में, इसे लेट नहीं कहते। बिलाल जी तैयार हो गए, मामा भी तैयार नहीं हुई, मामा काम कर रही है। मैं भी तैयार हो जाए बस, जल्दी जल्दी मामा तैयार हो जाओ, आप भी, आप काम बाद में कर लेना। एंड आप तैयार हो गए हैं? आज भी लाल की फुल लुक यही पे किचन में दिखा दे। फुल लुक, फुल लुक,
फुल लुक वाकई हम लोगों के ब्लॉग में फुल लुक की मास्टर। मैंने नाश्ता कर लिया था तो अभी बस मैं अपनी टी पीने लगी हूँ। लेट्स जस्ट एंजॉय दिस। एंड मामा को हम कह रहे हैं कि तैयार हो जाए। मामा काम कर रही हैं सफाई एंड ऑयल। एक तो ये चीज़ बड़ी लाजमी होती है ना कि जितने भी मतलब हेल्पर्स हैं वो सारे काम शाम कर लेती हैं, बट स्टिल मामा को तसल्ली नहीं होती। मामा खुद जब तक साफ सब कुछ ना कर ले मामा को सुकून ही नहीं आता। सो अभी बस मामा वही काम करें। मामा सब कुछ खुद से दोबारा से साफ कर रही हैं। यहाँ पे मुस्कान कपड़े आयरन करिए, चेक करो स्ट्रेटनर से। यार बहुत लोग देखे, ऐसे लोग नहीं देखे कहीं पे जो इस्त्री हुए कपड़े दोबारा से कर रहे हैं। मैंने खराब किए तो गाइस मैं आराम से अपनी टी एंजॉय कर रही हूँ। ये मुझे अपने कमरे से निकाल दिया, कह दिया मुझे मेरे कपड़े खराब कर। ये देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये कपड़े बड़े काम में खराब है। ये बदतमीज लोग ना मुझे जान के कमरे से बाहर धक्के मारे। ऐसे बैठ जो मैं है मुस्कान। मुस्कान को है मेरी तरह बस बेड पे लेटे रहो, कोई बैठे ना शराफत से यहाँ पे। बेचारी कपड़े स्त्री दोबारा कर रही है। मुस्कान को दोबारा से करना पड़ रहा है, तभी मुस्कान तप रही है कि निकलो कमरे से। हाँ दिस इज द न्यू लाइफ हैक, ठीक है। हाँ हमने लास्ट ये दिखाया था कि ऐसे कपड़े आयरन कर सकते हो। सो गाइस ऑल सेट एंड ये बिलाल और मामा ने सेट किए एंड अभी बस सारे आने ही लग गए हैं क्योंकि टाइम भी हो गया। चलो हम अंदर चलते हैं। मामा भी तैयार हो गई हैं शायद। मामा तैयार हो गई हैं। मामा स्टिल किचन में, मामा और मामा का किचन। सो फाइनली मामा भी तैयार हो के आ गई हैं। मामा ने मेरे साथ मैचिंग की है मामा। मैचिंग बस हो गई है बाय चांस। मामा कह रही है मैचिंग हो गई है। मामा का कोई इरादा नहीं था मैचिंग का। ऊद की खुशबू अच्छी लगती है ना इसलिए। फाइनली नाथ एंड ऑल पढ़ने वाले सारे आ गए हैं, ठीक है। एंड अभी बस ख़त्म स्टार्ट हो गए। यहाँ पे देख भी आ गई है जियो के देख में। आज क्या है ओही कोल कोल। सो आज हमारे पास है कोरमा गंदों के कैमरा। तो गाइस जो है ख़त्म स्टार्ट हो गए, ठीक है। एंड अभी तक कोई भी नहीं आया। पप्पो को एंड मुराद भाई वगैरह को कहा था तो अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। तो फाइनली नूरीन भाभी भी आ गई हैं। बैठना पढ़ना सुनना सुनाना अपनी बात और ज्ञान बांधने की दूर फरमाई। आइए एक नन्हे सनाखान है जनाब मोहम्मद हुसैन का। भेजता है हुन दरूद उन पे इलाहुल आलमीन ने शान में कुरान है। नहीं होती जमन में कला
भी है नजर ने जमा अभी नहाते हैं एंड ऑल परी जा रही है एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मतलब पता नहीं कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था एंड मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ एंड इसको आ जा मेरे पीछे यार तो इतना लंबा नज़र नहीं आता. तो ये बिलाल को तो चेक करो आज माशाल्लाह बच्ची को भी भूख लग गई है. ये स्नैक्स चोरी कर रही है. चोरी है यार, मैंने चोरी. कहते हैं अपने घर में चोरी कैसे. इतनी बार मेरे पास स्नैक्स नहीं है. मुझे भी भूख लग रही थी तो मैंने एप्पल खा लिया. इसको भूख लग रही है, ये केक एंड बिस्किट देख रही है. वाओ, कोरमे की खुशबू बहुत अच्छी है ना. हाँ, मज़े की आ रही है. इसलिए भूख लग रही होगी तो फिर मैं खा लूँगी. मुझे खुद यहाँ पे ना सूंघ सूंघ के बड़ी भूख लग रही, लेकिन अभी नहीं खा सकते. ऐसे लग रहा रोज़ा. मेरा हर सांस उनकी
चाहतों के साथ चलता है, मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, फिर मेरे दिल के धड़कने की वो तो गाइस अभी बस सलाम भी पढ़ लिया गया है एंड पीछे मेरा कज़न है। अच्छा सलाम भी पढ़ लिया गया, अभी बस मामा यहाँ पे नियाज के लिए फ्रूट्स एंड ऑल रख रही हैं। बाबा भी ले आए थे एंड बाकी जो जो भी आता है वो भी फ्रूट्स लेके आते हैं, तो यहाँ पे ढेर लग जाता है। तो ये बच्चा अब सवैया लेके जा रहे हैं, छंडी तो फ्रिज में रखा था। छोटी छोटी प्लेट्स ऊपर की जा रही है मामा, रखनी है ऊपर क्या प्लेट्स किस छोटी वाली जो होती हैं? हाँ वो मर्जी से। सो यहाँ पे मुस्कान भी काम कर रही है, चलो जाओ शाबाश। मैं तो होती मामा के साथ किचन में हूँ एंड बिलाल भी, बिलाल और मैं ज्यादा किचन में काम करते हैं मामा के साथ। ये जो पिछली बच्ची है ये कभी कभी नजर आती है एंड मैरू को हम लोगों ने फूफो एंड भाभी के साथ बिठाया, हमने कहा कि तुम उनको टाइम दो, हम लोग बाकी के काम देख लेते हैं, है ना। एंड ये चेक करो आप यहाँ पे आके फोन यूज कर। अस्सलाम वालेकुम, मामा का हेल्पिंग हैंड आ गया एंड मामा का बेटा। तो यहाँ पे मुराद भाई अब डालने लग गए हैं सालन एंड ये लोगों के काम चेक करो। गॉसिप क्वींस अच्छा भाई है मेरा, माशाल्लाह काम कर रहे यहाँ पे। हो तो यहाँ पे बिलाल ने डाइनिंग वापस से क्लीन कर दिया हम लोगों के लिए, अब हमारी बारी है, अब हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा शदीद वाली लगी हुई है। मैंने तो सुबह से नाश्ता किया, वैसे हम सब ने ही सुबह से नाश्ता किया हुआ, सो अब ना नेक्स्ट लेवल की भूख लगी हुई है, सो अभी खाना खाते हैं। लाइक मैं अभी तो कुछ खा लूँ। चलो फाइनली हम लोग भी खाना खाने लगे हैं। फैंटा और कोक जो मैं नहीं पीऊंगी, फाइनली इसलिए आंटी ने पहले कहा रोटी की बारी आ गई है। दीदी आप भी खा लें, बिलाल सर्व कर देता है, आप भी खा लो। आज मुस्कान को तो हमने बिठा दिया, यहाँ पे सब रोटी खा रहे हैं, मैं यहाँ पे खरबूजा खा रही हूँ ठंडा ठंडा जो मामा मुझे काट के दे रही है। मामा ने मेरे लिए रखा था क्योंकि मुझे पसंद है, तो मामा ने कहा ठंडा ठंडा खाओ। बेबी आ जाओ, चलो चलो खरबूजे लेके चलो। तरमा कामों में लगी हुई है, इन्होंने कुछ नहीं खाना। नहीं खाने लगी हूँ। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली डन विद फूड एंड अंदर जो है अभी सब डाइनिंग पे बैठ के बातें कर रहे हैं क्योंकि खाना खा के फ़ौरन कोई भी नहीं उठता, सब डाइनिंग पे बातें कर रहे हैं क्योंकि मीठा खा रहे हैं। मीठे में मामा ने सेवैयाँ बनाई हुई थी, सो वैसे भी सब वही खा रहे हैं एंड बाबा के साथ बातें कर रहे हैं एंड मैं तो खाना खा के आ गई हूँ। अभी हम पीते हैं ग्रीन टी। अब यहाँ पे दीदी जो है डाइनिंग से सामान लेके आई है। दीदी कैसा था, कैसा था, मज़े का था ना? हाँ मुझे भी बहुत मज़े का लगा। मैंने कहा बड़ी देर बाद दी है लेकिन चलो दे दी है। दीदी मैंने भी तभी खाया है। आप टाइम देख सकते हैं 11 बजने वाले हैं, तो आप इतना लेट कौन देता है कि खाना। हम शाबाश शिमशा अच्छे से साफ करो, लेकिन ये ज्यादा हार्ड ना मारना, उस पे स्क्रैच पड़ जाता है। सॉफ्टली मार रही, मुझे भी पता है इतना आता है। क्या लाल लाल पहली दफा का है ये यार, असल में यहाँ पे ना ऑयल की वजह से। चलो चलो साफ करो जल्दी जल्दी, क्लीन हो गया ऑलमोस्ट, चलो बाकी सारा भी क्लियर करो। आदमी साफ करना पड़ेगा। नहीं अभी फूफो जा रही है, सो हम उन्हें सी ऑफ करने जा रहे हैं। चलो जब आप लोग आए तब बंद था ना थली में हम दे रहे थे, बिल्कुल बंद था। ओके अल्लाह हाफिज़, ठीक
ठीक हो गया, ओके टाटा बाय बाय। सारे अब यहाँ पे बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, बस अभी बस भाई और भाभी भी जा रहे हैं, सो हम लोग उन्हीं को सी ऑफ करने जा रहे हैं। सो बिलाल खाने से बात कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली सबको सी ऑफ कर दिया है। सो गाइस होप यू गाइस लाइक माय टुडेज व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शो सम लव गाइस, टाटा बाय बाय।